नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सोनी और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की। एक तरफ कोरोना तेजी से अपने पैर पसार चुका है और वहीं बंगाल और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में सियासी ड्रामा जारी है। कल उत्तर प्रदेश के पहले स्तर के चुनाव में भी सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो गया। एक तरफ कोरोना का खौफ, दूसरी तरफ चिलचिलाती हुई धूप में भी मतदाताओं ने वोट डालने के लिए आगे आए और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से स्टार्ट हुआ। तिलाती धूप में लोग लाइन में लगे हुए हैं अपना मत देने के लिए और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं जो ज़मीन पर बैठी हैं अपनी मत का इंतज़ार कर रही हैं कि मेरी नंबर कब आएगा। दोपहर तक तो मतदाताओं में भारी उत्साह दिखा और शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ सियासी ड्रामा। हम दिखाएंगे आपको अलग अलग जगहों के कुछ तस्वीरें जहां पर यह साबित होता है कि यहां पर सरकार और प्रशासन की ढील सामने आई। बवीना पंचायत क्षेत्र से प्रधान प्रत्याशी के पति को मारते हुए वीडियो सामने आया। और कहीं कहीं तो वोटर्स को पैसों द्वारा खरीदते हुए वीडियो भी सामने आए और यह सियासी ड्रामा पूरे दिन भर चलता रहा। और यही नहीं, महोबा के पंचायत क्षेत्र से पोलिंग बूथ पर दो युवक एक साथ मोहर लगवाते हुए नजर आए। दिन भर चले सियासी ड्रामे के बाद भी शाम तक जब मतदान खत्म हुआ उसके बाद प्रशासन की भी लापरवाही देखी गई। एक पोलिंग बूथ पर तो पेटी को छोड़कर ही प्रशासन चलता बना, लेकिन जब वहां के लोगों ने उसकी याद दिलाई तब जाके उस पेटी को अपने साथ लेकर गए। देखिए इस वीडियो में क्या कौन सी है, एक जे रखी है। बुंदेलखंड न्यूज 24 लगातार प्रथम चरण के चुनाव पर अपनी नजर बनाए रखा, जिससे मतदान सही ढंग से निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित हो सका। एक तरफ बंगाल में चुनाव है, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के भी और तीसरे चरण के बाकी हैं। दूसरे चरण और तीसरे चरण के चुनाव पर रहेगी सबसे पहले बुंदेलखंड न्यूज 24 की नजर। सबसे सटीक, सबसे सही खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज 24, क्योंकि खबर हर पल की जो तह तक हो सच की।